हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर कर रही हूँ जो मार्केट से हम लेके आते हैं, काफ़ी महंगे मिलते हैं, आप इनको घर पे ही बना सकते हो, वो भी बिल्कुल सस्ते में। तो इसके लिए देखिए, मैंने काफ़ी आइटम लिए हैं, मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगी किस तरीके से आप इनको बना सकते हो। तो जो आपके पास सामान अवेलेबल हो आप उस सामान को लेके बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी लिड, थ्रेड रील और साथ साथ में जो इस तरीके के फैब्रिक के टुकड़े बच जाते हैं उनका भी हम यूज़ करेंगे और साथ में हम न्यूज़पेपर का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है तो आपको ये बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि दिवाली नवरात्रा है तो अभी काफ़ी हमें डेकोरेटिव सामान बनाना है जिनके लिए हमें काफ़ी इस तरीके सामान की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो आइडियाज मेरे थ्रेड रील के साथ है तो इसको हम पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो मैं अभी एक बना रही हूँ इसलिए मैंने एक पार्ट उसमें से कट कर लिया है। अब उसके ऊपर आप, मैं यहाँ पर जैसे ऊन का यूज कर रही हूँ, आप ऊन की जगह आपको अगर आप पेपर यूज करना चाहते हो तो आप जैसे न्यूज़पेपर वगैरह भी यूज कर सकते हो, वरना आप इस तरीके से थ्रेड को कवर कर लीजिए। ऐसे कवर करना है कि बिल्कुल सेंटर में हमारा ऊपर तक आ जाए और साइड में थोड़ा सा नीचे रहे। इसको कवर करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड होगी उसको हम फेविकोल से इस तरीके से चिपका देंगे ताकि हमारी थ्रेड बिल्कुल भी खुले ना। आप चाहो नीचे की तरफ भी पहले फेविकोल लगा सकते थे। अब उसके बाद आपको जो कलर बनाना है ना, आप उस कलर की आपको ऊन लेनी है। अब इसको मैं यहाँ पर, मेरे पास जैसे वो बड़ी वाली नीडल होती है मेरे पास ही थी, लेकिन पता नहीं अभी वीडियो बनाते बनाते कहाँ खो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ये वायर लिए जो कि काफ़ी मोड़ी हुई थी, शायद मुझे से दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक ट्राई कर लेती हूँ, अगर मिल जाएगी ठीक है, नहीं तो पूरा प्रोसेस मुझे इस वायर के साथ ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए इस तरीके से नॉट लगा लीजिए या फिर आप फेविकॉल की हेल्प से इसको चिपका लीजिए। तो इस तरीके से नॉट लगाने के बाद अब आपको पूरा यहाँ पर जो हमने ये थ्रेड तैयार की है इस थ्रेड से हमें बराबर इसको लगाते जाना है। मैंने इसको ना 3 से 4 राउंड कर लिए हैं ताकि इससे क्या है मुझे थोड़ा जल्दी आसानी हो करने में। आप चाहो तो सिंगल जिस तरीके से हम निडल में थ्रेड डालते हैं वैसे आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर देखिए 4 लेयर की रखी है मैंने ताकि मैं फटाफट कर लूँ। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छे लगे, मतलब जैसे आपका काम आपको आसान लगे, बस वैसे आपको निडल के अंदर थ्रेड को डाल लेना है और पूरा आपको इस तरीके से ऊपर से नीचे लेते हुए आपको पूरा कवर कर लेना है। अच्छे से हम टाइट करेंगे, लूज रखेंगे तो ये काफ़ी लूज रह जाएगा, बीच में ऐसे लगेगा जैसे हमने गैप छोड़ दिया हो, इसलिए हमें बिल्कुल टाइट करना है। तो पूरा देखिए मैंने इस तरीके से थ्रेड को कवर कर दिया था। अब आपको गोटा पत्ती लेस चाहिए, अब गोटा पत्ती आप कोई भी गोल्डन सिल्वर आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिए। और इस तरीके से देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया था। तो आपको 1 by 1 जिस तरीके से हमने ऊन को लगाया है बस वैसे ही हमें इसको इस तरीके से लाइन से बिल्कुल कवर करते जाना है। बस ऊन को तो हमने पूरा अच्छे से कवर किया था, लेकिन गोटा पत्ती और लेस को थोड़ा थोड़ा हम गैप रखेंगे ताकि हमें पत्ती से क्या होगा कि इसका जो कलर है ना वो कलर दिखेगा, जिस कलर का हम बना रहे ना वो कलर दिखेगा। अगर आप पूरा कवर कर देंगे तो नीचे का कलर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो मैं आपको पूरा गोटा पत्ती वाला भी डिजाइन आगे दिखाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं कलर वाला दिखा रही हूँ। तो पूरा आपको देखो इस तरीके से कवर करके लास्ट में गोटा पत्ती लेस को यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देना। आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन का भी यूज कर सकते हो, बस फेविकोल से आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारा बन जाए। देखिए कितना सुंदर हमारा बन के रेडी हो गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें क्या है, आपको ना लिड लेनी है बॉटल की या फिर जो भी। तो मेरे पास 2 तरह की लिड है तो दोनों लिड से मैं बनाऊंगी। यहाँ पे मुझे जो ये वाली लिड थी ना इससे मुझे सिर्फ गोटा पत्ती से ही बनाना था, लेकिन वो कभी कभार क्या होता है वीडियो बनाते बनाते ध्यान में नहीं रहता और जो हम कुछ और करने वाले होते हैं कुछ और करके बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है हम इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन इस लिड वाले में मैंने सिर्फ 1 गलती की थी, मैं आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप भी वो गलती ना करें। तो मैंने इसके अंदर जो ये यहाँ पे छेद किया था ना तो बहुत थोड़ा छोटा छेद कर लिया था, तो हमें थोड़ा सा बड़ा छेद रखना है क्योंकि ये इतनी हम ऊन लेस कवर करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी है ना मुश्किल इतना कवर नहीं कर पाएगा, काफी मुश्किल होगी हमें वापस से बार बार इस नीडल को डालने में। तो दोनों लिड को देखिए मैंने इस तरीके से पहले उनसे कवर कर लिया है। अब हम इस तरीके से जो गोटा पत्ती वाली लेस है इसको भी इस तरीके से डाल लेंगे, और जैसे पहले वाली को हमने कवर किया था वैसे ही इसको भी हम थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए कवर कर लेंगे। तो बस छेद थोड़ा छोटा होने की वजह से मुझे थोड़ी काफी दिक्कत हो रही थी, आप थोड़ा सा छेद का बड़ा कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आप इस तरीके से इन दोनों लिड को पहले रेडी कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर उस गैप वाली को भी कर लिया था और साथ में दूसरी उसको भी मैंने सिल्वर कलर से रेडी कर लिया है।
देखिए दोनों जो कैप है इसके जो डिजाइन वो काफी अलग अलग हो गए हैं, शेप भी अलग अलग हो गए हैं। अब देखिए इस तरीके का मैंने एक ही मोती लिया है जो कि मेरी कोई ड्रेस से निकले हुए थे, तो उन्हीं मोती को लिया है और मोती मैंने एक छोटा और एक बड़ा लिया है और एक यहाँ पर गोल है तो एक लंबा है। तो इनको मैं यहाँ पर ऊन से कवर नहीं कर रही हूँ, इनको देखिए सीधा तो डायरेक्ट ये गोटा होता है इससे ही मैं इसको कवर कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट में सिल्वर और गोल्डन कलर के भी इस तरीके के मोती मिलते हैं तो आपको इस तरीके से कवर कर लेना है। और मार्केट में क्या होते हैं इस तरीके इनके रॉ मटेरियल भी मिलते हैं, तो आप चाहो तो ऐसे मोती अगर ला के आपको अगर बहुत सारे ऐसे आइटम बनाने और आप इसमें मेहनत नहीं करना चाहते तो वैसे मेहनत तो ये पूरी इसी में ही लगेगी, लेकिन अगर आपके पास एक जैसे सामान अगर नहीं है तो आप रॉ मटेरियल ऐसे ला के मोती को इस तरीके से कवर कर सकते हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कलरफुल बनाते हो या फिर गोल्डन सिल्वर। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आइडिया मैं न्यूज़पेपर से बता देती हूँ, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको कुछ नया डिज़ाइन बनाना हो तो आपको न्यूज़पेपर को एकदम इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल पतली जैसे स्ट्रिप होती है वैसे हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देखिए जो फेविकोल का ढक्कन था ना मैंने उसी को ही ले लिया था और इसके ऊपर हमें राउंड राउंड घुमाना है। ये मैंने ढक्कन इसलिए बीच में रखा है ताकि बीच में हमारा यहाँ पर छेद बन के रेडी हो जाए और जितना हमें इसका इसमें जो राउंड बनाना है वो बिल्कुल एकदम अच्छे से बराबर बन जाए। तो यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर को कवर किया है, कम से कम मैं 3 या 4 राउंड इस तरीके से इसको कर लूंगी ताकि यहाँ पर अच्छे से मजबूत बन जाए। तो यहाँ पे ये क्या पेपर काफी मोटा हो गया था तो यहाँ पे इसलिए फोल्डिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसको नीचे रखते हुए फोल्डिंग कर ली थी और फोल्ड होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पेपर था ना मैंने उसको कट कर दिया है। अब हमें इसको अच्छे से टाइट रखना है ताकि ये बिल्कुल भी खुले ना लूज ना रहे और इसको लास्ट में हमें फेविकोल से चिपका देना है। चिपकाने के बाद इसको अच्छे से हम हाथ से सेट कर देंगे, जब ये सूख जाएगा तब हमें इस तरीके से जो हमने ढक्कन इसके अंदर डाला था उसको निकाल लेना है। देखिए हमारी एक रिंग बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इस रिंग को भी आपको सेम पैटर्न से आपको क्या करना है ये ऊन से कवर कर देना है। अब ऊन से कवर कीजिए या फिर सीधा डायरेक्ट आप लैस से कवर कीजिए वो आपके डिजाइन पर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके के डिजाइन बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा अच्छे से कवर करूंगी। देखिए कवर करने के बाद देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने न्यूज पेपर का यूज किया है। अब फिर से वही प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे कि जो गोटा पत्ती वाली लैस थी उसको हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए बना लेना है। हमने पैटर्न बस वही रखा है, वही ऊन से हमें इसको कवर करना है और गोटा पत्ती लैस से कवर करना है, लेकिन जो इसके नीचे का जो बेस है यानी जो हमने रॉ मटेरियल यूज किया है ना वो सब कुछ अलग अलग यूज किया है ताकि हमारे अलग अलग टाइप के यहाँ पर मोती बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे ये रिंग वाला मोती बन गया है, तो देखिए ये भी बन के काफी अच्छा बना है। उसके बाद देखिए मैं आपके साथ फैब्रिक के साथ बताती हूँ, आपको कोई भी फैब्रिक लेना है आपके पास जिस कलर का आपको बनाना ना उसके अकॉर्डिंग आप फैब्रिक लीजिए और उसके अंदर छोटे टुकड़े जो आपके पास टुकड़े और होते हैं उनके एक्स्ट्रा टुकड़े जो होते हैं उसको इसमें डाल के इस तरीके से आपको राउंड राउंड कर देना है, यानी एक पोटली बना लेनी है ताकि बिल्कुल हमारा इसकी जो शेप है ना बिल्कुल गोल मटोल की तरह हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है और यहाँ पे हाथ से हम इसको बिल्कुल गोल गोल शेप दे देंगे ताकि बिल्कुल सेट हो जाए। सेट होने के बाद देखिए अब इस तरीके से हम इसमें ग्लूगन का यूज करेंगे, क्योंकि मैं इसमें फेविकोल का यूज करती हूँ ना मुझे काफी टाइम लगता है इसको बनाने में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ग्लूगन का ही यूज किया। अगर आपके पास ग्लूगन नहीं है तो आप फेविकोल का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ग्लूगन का यूज करूंगी तो ये फटाफट उसी वक्त चिपक जाएगा और मुझे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं काफी लेट हो गई थी बनाते बनाते, तो इसलिए मुझे खाना बनाना था उसके बाद, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ग्लूगन का यूज करते हुए फटाफट बना ताकि मेरा ये वाला जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको भी पूरा कंप्लीट कर लिया है और जो भी एक्स्ट्रा था मैंने इसको कट कर लिया। आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल एकदम गोल मटोल मोती की तरह लग रहा है। इस तरीके से देखिए हमने कितने सारे यहाँ पे मोतियों को बना लिए हैं। अब मैं आपके साथ कुछ इमेज शेयर कर रही हूँ कि आप किस तरीके से इन मोती को यूज कर सकते हो। अब देखिए ये वाले जो मोती हैं चारों वो चारों बहस सेम ही हैं, इन चारों को आप एक ही तरीके से यूज कर सकते हो, बस आपको अलग अलग कलर के बनाने हैं। देखिए इस तरीके से आप चाहे तो अलग अलग या मल्टी कलर का कैंडल होल्डर बना सकते हो, चाहे सेम कलर का बनाइए या फिर मल्टी कलर का, या फिर इस तरीके की जो लटकन होती है काफी मार्केट में महंगी मिलती है, आपको 200 रुपये पर पेयर मिलेगा, आपको इससे कम नहीं मिलेगा, या फिर इस तरीके के बंदरवार भी बना सकते हो। और जो लिड वाली मैंने बनाई थी, लिड वाली में देखिए एक डिजाइन तो मैंने आपको ये बताया है और दूसरी जो बेल वाली डिजाइन है ना इसमें देखिए ये वाली लिड आपके काम आएगी, क्योंकि इसमें क्या आपको पूरा मुझे गोल्डन ही बताना था कि मैं आपको इसका लुक दिखा सकूं, लेकिन मैंने गलती से इसको ऐसे बना लिया था। लेकिन आप पूरा अगर इसको गोल्डन बनाओगे तो बिल्कुल आपका लुक वो बेल वाला ही आएगा।
उसके बाद जो रिंग बनाए थे इस रिंग को भी बना सकते हो, आपको बंधनवार में या फिर हैंगिंग में आप बना सकते हो। इसके अलावा देखिए, अगर जो टिश्यू रोल होता है उसको हाफ कट करते हुए आप इस तरीके से कैंडल होल्डर भी बना सकते हो। और जो हमारे गोल्डन सिल्वर मोती थे ना, आप इस तरीके की देखिए मैट भी तैयार कर सकते हो। मैंने आपके साथ काफी इमेजेस शेयर की है, तो आप इस तरीके के डिजाइन बना लीजिए। अब मैं आगे, हो सकता है आपके जो भी डिजाइन आपके साथ शेयर किए हैं तो मैं आपको बनाना भी बताऊंगी। तो जल्दी से प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिए कि ये जो मैंने आपके साथ पैटर्न या तरीका आपके साथ जो बताया है वो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।